बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपके दोस्त सैयद और दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से रहें। अभी फ़िलहाल हम पहुंचेंगे एयरपोर्ट और वहां से हमारी फ़्लाइट है थाईलैंड के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह और लकीली हमारा वहां पर 2 दिन का स्टे है। सिंगापुर में भी हमने खूब इंजॉय किया, खूब हम घूमे फिरे, खूब हमने देखा अच्छी तरह से, मॉल्स वगैरह भी विज़िट किए। यहाँ बस मॉल हमने इसलिए विज़िट नहीं किया कि मिसमैनेजमेंट हो गया। हम समझे कि हमारा ट्रिप जो है वो 2 दिन का है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ट्रिप था वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन का ही था। वो हम डेट जब हम कर रहे थे उसमें मिसमैनेजमेंट हो गई हमसे, और लकीली जो हमने फ़्लाइट बुक की थी वो भी सिर्फ 1 दिन के लिहाज से बुक की थी, बस उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, जिस वजह से हमें आज निकलना पड़ा। वरना अगर हम आज स्टे करते तो बस जो होती है, जो टूरिज़म बस होती है वो, उसमें हम ट्रेवल करते आज और पूरा मलेशिया देखते हैं जाके वन बाय वन हर जगह पर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेम्पल हैं, मस्जिद हैं, उनकी जगह विज़िट करते देखते। ये मेरे साथ ही बैठे हुए मलिक साहब मज़े से बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं राइड, ट्रेन की राइड। मौसम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, यहाँ बादल आए हुए हैं तो बादल, यस बारिश हो रही है जी, इधर बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है जी। ये नहीं जी, मलेशिया में हमने बारिश ही देख ली। मैं कल से कह रहा था यार बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बादल तो आते हैं बारिश नहीं हो रही, और लकी लीजिए यहाँ से जी हमने बारिश देख ली। जी मलेशिया सिटी इट्सेल्फ जो है तकरीबन एयरपोर्ट से कुछ अराउंड 62 किलोमीटर दूर है, तो बस ये मेन सिटी से जो है हमें लेके जा रही है अभी एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट जो है वो अराउंड 62 किलोमीटर यानी 62 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से, तो इसलिए फिर हमें ये जो है करवानी पड़ती है ट्रेन। अभी हम फिलहाल ट्रेन बैठे हैं, हमारे पास एक कार्ड थे, ये हमने कार्ड कर लिए थे जो कि इंटरसिटी हमें फ्री था, यानी हम 2 डेज़ का पास था, ये 2 डेज़ का पास हम अनलिमिटेड यूज़ कर सकते थे, और साथ में हमें एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ भी था। ये एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ यानी कि 62 किलोमीटर है, तो यानी इसके अलग से चार्ज होते हैं, लेकिन इसमें उसमें कार्ड में इंक्लूड कर दिए थे, तो इसलिए हमें हम रिटर्न अभी इसी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। बस एक दफ़ा हमने जो कार्ड ले लिया। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बंदा कार्ड ले ले, अगर कार्ड नहीं लेता यानी बंदा बस टूर करवा लेता है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। बस टूर बस एक दफ़ा करवाएं, एक दफ़ा पेमेंट करें, और वो तकरीबन 1 दिन के लिए भी होती है, वो रात का भी होता है, तो आप वो ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे रात का ज़्यादा बेस्ट है, रात में आप हर एक जगह पर रुक सकते हैं, 2-2.5 घंटे की वो ट्रैवल करवाते हैं, 30-30 मिनट 40-40 मिनट देते हैं, वहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह खींचें, उतरें, जाएँ, देखें। अभी करेंसी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, करेंसी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, करेंसी मेरे पास रेंगेट भी पड़े हुए हैं, मेरे पास सिंगापुर डॉलर भी पड़े हुए हैं। तभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके मैं चेंज करवा लूँगा बाद में, क्योंकि अब थाईलैंड में बाद चलेंगे तो वहाँ मैं चेंज करवा लूँगा, थोड़े बहुत डॉलर मैं रख लूँगा क्योंकि वापसी हमारी सिंगापुर से ही है, तो फिर हम थोड़े बहुत डॉलर जो है वहाँ पर, क्योंकि हम कल नहीं 2 दिन के बाद यानी जुमेरात की रात को 3 बजे वहाँ पहुँचेंगे सिंगापुर, तो फिर सिंगापुर से फिर तकरीबन सुबह 10 बजे हमारी फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह जो है उस टाइम तक हमने कुछ खाना पीना होगा तो वो हम उससे मैनेज कर लेंगे। ये लें जी, बारिश माशाल्लाह बड़ी तेज़ पड़ रही है, और आपको देख रहा पहाड़ शहर नज़र आ रहे हैं, ग्रीन मशीन भी नज़र आ रही है यहाँ पर। अच्छी भली जो है कोई स्कूल था, पत्रा स्कूल, बारिश होने की वजह से कोई खास ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए ये मौसम ये ठंडा हो जाएगा, इसमें अभी बारिश गिरी है तो मौसम ठंडा हो जाएगा, ये मौसम ठंडा हो जाएगा तो मतलब इतना भी ठंडा नहीं होगा कि मतलब जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, बस ठंडा हो जाएगा। ये
दरिया आ गया जी, दरिया है अपनी, झील है, पानी खड़ा हुआ जगह जगह बहुत सारा, शायद ये बारिश में पानी है, क्योंकि बारिश होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है जगह नीचे होने की वजह से। तो ये एक और ट्रेन गुजरी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मलेशिया भी देख लिया, मलेशिया देखना है, मलेशिया देखना है, मलेशिया का ट्रैवल भी कर लिया हमने। अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि बारिश नहीं है, बारिश चली गई, अभी मुझे लगता है आगे धूप भी निकलेगी यहाँ पर। मौसम साफ है यहाँ पर, पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, जगह जगह पे पहाड़ बने हुए हैं, रोड साफ़ सुथरे हैं, गाड़ियाँ देखिए अपने लेन में चल रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किधर से घुस रही है, कोई किधर से घुस रही है। बारिश वगैरह पहुँच चुकी है तो मौसम साफ सुथरा ही है। वादियाँ पाम के ट्री बहुत ज़्यादा बने हुए हैं जी, माशाल्लाह। ये तो लगता है कोई गांव में हम आ गए, आसपास में कोई आबादी नहीं है, तो यहाँ लगता है कि ये जो है गांव वाले नहीं, आबादी है जी। ये देखें काफ़ी सुथरे रोड बने हुए हैं, वैसे ही घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स छोटे छोटे बने हुए हैं। मेन रोड के साथ साथ हमारे अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज की वीडियो यहीं पर मुकम्मल करते हैं, और जाने से पहले आज की अच्छी बात, उन लोगों से मुहतात रहो जो बातों में मिठास और दिल में सहर रखते हैं। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों और हम सब का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।